नमस्ते, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि रीडिंग शुरू करते हुए आपको किस तरीके से अपने डेक को एक बारी पंच तत्व के साथ कनेक्ट करना होता है। सबसे पहले तो उसको लेफ्ट हैंड में रख के आप एंजल्स को इन्वोक करेंगे। 5 to 10 minutes आप मेडिटेट कीजिए एंड एंजल से गाइडेंस पाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। उसके बाद हम अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना डेक का ऐसे फ़ैन बना लिया है, सबसे पहले मैंने उसे फायर एलिमेंट के ऊपर लेके गई और इस तरीके से मैंने उसे फायर एलिमेंट के ऊपर कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक घी का दिया यूज़ किया है, क्योंकि घी जब जलता है तो वो पूरे एनवायरनमेंट को क्लेंस कर देता है, इसीलिए हवन के टाइम पे भी हम घी ही यूज़ करते हैं। उसके बाद एयर एलिमेंट के लिए मैंने अगरबत्ती यूज़ करी है, गोगुल की धूप यूज़ करी है। लोग एयर एलिमेंट के लिए अक्सर सेज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको अच्छा सा फ़ैन बनाइए ताकि आपके सारे डेक पे धूप अच्छे से लग जाए, उसकी कोई भी प्रीवियस नेगेटिव एनर्जी होगी वो सब निकल जाएगी। उसके बाद मैंने वाटर एलिमेंट के लिए यहाँ पे गंगा जल यूज़ किया है। लोग एलिक्सर वाटर का भी यूज़ करते हैं या फिर आप बस नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके से हल्का सा बस गंगा जल आप अपने डेक पे छिड़क सकते हैं। उसको आपको फ्रंट की तरफ भी करना है तो फ्रंट की तरफ भी कर सकते हैं। फॉर अर्थ एलिमेंट मैंने ये मेरे स्टोन्स हैं यहाँ पे जिनको मैंने यूज़ किया है, और एक यहाँ पे एक बैम्बू का प्लांट रखा है, जिसके अंदर आपको अगर पता लग पा रहा है तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं इसके अंदर मैंने। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर स्पेस एलिमेंट कोशिश करी जाती है कि हम एक बहुत खुली जगह पे अपनी रीडिंग्स करें, जहाँ पे वेंटिलेटेड एयर हो, अच्छे से सनलाइट आती हो, तो वो हमारे को स्पेस एलिमेंट जो कि जुपिटर रिप्रेजेंटेड होता है वो भी हमें साथ में मिल जाए। थैंक यू सो मच।